हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित बंगाल। आज हमारी वीडियो एनिमल न्यूज सीरीज के 5th एपिसोड होगा हमारी वीडियो में आज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। हम एनिमल से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड सारे वीडियोस बनाते हैं। पैटर ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को रिक्वेस्ट की है कि जो लोग अपने पेट्स को अबेंडन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो पेट शॉप ओनर्स हैं वो अपने एनिमल्स का अगर ख्याल नहीं रख रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग अपने पेट्स को अबेंडन कर रहे हैं इस डर से कि उनकी वजह से ही कोरोना वायरस फैल रहा है, पर ये बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि WHO का भी ये मानना है कि जो ये वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन से फैलता है। ये जो लोग अपने पेट्स को अबेंडन कर रहे हैं ये इनको टॉय समझते हैं, अपना फैमिली मेंबर नहीं समझते, तो ये एक बहुत बुरी बात है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने पेट्स को अबेंडन ना करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो अपने पेट्स को अबेंडन कर रहा है तो उसको समझाओ प्यार से, और अगर फिर भी ना समझे तो आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड न्यूज की। बाहर सबके लिए लॉकडाउन है और अब एक हाई टाइम है कि हम सोचे कि हम अपने नेचर को बेटर कैसे करें, एक बैलेंस मेंटेन कैसे करें। पर कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे हमारे देश में। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर जाइंट स्क्वेरल जो है उसकी किलिंग बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुई है, और कर्नाटक में डियर हंटिंग की रिपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुई है अभी, तो ये एक बहुत गलत बात है। कई पोचर्स हंटिंग के लिए जाते हुए पकड़े गए हैं जो गोवा में वेल्स और सील्स की हंटिंग करने के लिए जा रहे थे, तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन करने लग रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड न्यूज की। लॉकडाउन की वजह से डेयरी फार्मिंग पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ा है। जहां पूरे देश में दूध की कमी नहीं दिखाई जा रही है, जो ये बड़ी कंपनीज है जैसे अमूल और मदर डेयरी, इन्होंने इसको पूरा करा है, पर ये इस चैन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। ज्यादातर लोग दूध इंडिपेंडेंट बेचते हैं, खुला दूध बेचते हैं, पर लोगों के इस डर से ये फेक न्यूज से जो ये व्हाट्सएप मीडिया से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा फैल रही है कि हम कोरोना वायरस किसी भी चीज से फैलता है, तो इस चीज का बहुत बड़ा असर देखा गया है। केरला में एक आदमी को दूध नदी में बहते हुए देखा गया है, क्योंकि उसका कहना यह है कि कोई खरीद नहीं रहा था। यूपी में इन एनिमल्स का खाना इतना महंगा हो गया है कि लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और इन एनिमल्स को बाहर भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर ग्रेजिंग के लिए चढ़ने के लिए भी नहीं लेके जा सकते, तो ये बहुत बड़ी समस्या उनके आगे आ गई है। जानवर भूखे पेट सोते हैं रात को, तो मेरी राय में इस चीज के ऊपर भी कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। मेरी विनती है सरकार से कि इस टॉपिक पे भी लोग सोचे, सरकार सोचे। अब बात करते हैं फोर्थ न्यूज की। थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल की गई है एक एनजीओ की तरफ से जिसका नाम है विश्व जैन संगठन। इन्होंने मांग की है कि देश के अंदर हलाल की प्रैक्टिस बैन करी जाए। हलाल जिसके अंदर एक एनिमल के गले पे एक कट मारा जाता है कि तब तक जब तक उसकी डेथ नहीं होती उसका खून बाहर निकलता रहे, एनिमल के मरने से पहले ही उसकी स्किन जो निकाल दी जाती है वो इस प्रैक्टिस में ही होती है। और इस पेटिशन का ये पर्पस है कि ये जो पेंडेमिक फैला है इस कंसर्न में ही ये पेटिशन डाली गई है। हम होप करते हैं कि इस पे कुछ अच्छा डिसीजन आए। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं तो उसे भी चेकआउट करें हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।